प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं शब्द निर्माण में तीसरा भाग संधि। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने संधि के बारे में पढ़ा, संधि की परिभाषा जानी और संधि विच्छेद के बारे में पढ़ा, संधि के प्रकारों के बारे में थोड़ा सा समझा। आज हम संधि के प्रकारों को विस्तृत रूप से समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार संधि की परिभाषा को पुनरावर्तित कर लेते हैं। दो शब्दों के दो वर्णों के मेल से हुए ऐसे परिवर्तन को संधि कहते हैं, और दोनों शब्दों को अलग अलग करके पहले जैसे रूप में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के तीन प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि पास पास स्थित दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। मतलब स्वर का स्वर से परिवर्तन स्वर संधि कहलाएगा। संधि में मैंने आपको बताया था कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यहाँ दोनों जगह स्वर होने से स्वर संधि होती है। विद्या में आ और आलय का आ, आ और आ मिलके बनता है आ, ये स्वर संधि का पहला उदाहरण है। इसीलिए इससे विद्या प्लस आलय से बना विद्यालय। दूसरे में देखो भोजन, पहले शब्द का अंतिम वर्ण में स्वर और दूसरे शब्द के पहले वर्ण यानी स्वर, ने में से ए प्लस आ बना आ, तब शब्द बना भोजनालय। यह है स्वर संधि। स्वर संधि के कुल पांच प्रकार होते हैं, यानी पांच भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। अगली ऑनलाइन क्लास में हम स्वर संधि के जो भाग हैं उनको विस्तृत रूप से उनका अध्ययन करेंगे। आपको आज की ऑनलाइन क्लास में जो चीज़ बताई गई है उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। अगली ऑनलाइन क्लास में हम स्वर संधि के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।